सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मालूम बिग बॉस वाले रोज के बाद बहुत लंबा गैप हो गया। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, इस पे बनाऊं क्या करूं, हमने को टाइम नहीं मिला था, थोड़ा परेशानियां चल रही, बट अब क्या कर सकते हैं, ब्लडी आर्मी बना दिया, तुम लोगों के लिए कुछ भी हो करना पड़ता ना, तो पूरी वीडियो देख लेके जाओ। भाई को बोलो मैं इतनी मेहनत से बना दो यार, तुम वीडियो नहीं देखे हुए तो कैसा, फिर इतना सुबह सुबह उठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, सुने चुके ना मुर्जे की बात, सुबह के 5 बज रहे हैं अभी, तो अब सुबह सुबह वीडियो बना देना बेस्ट रहा, गोल्डन आवर्स इज बेस्ट बोलते ना, इसलिए तो आज है क्रिंज वाला, नहीं क्रिंज नहीं बेस्ट इंस्टाग्राम। अब देखो फिर बांग दे रहा, देखो सुनाई दे रहा तो सुन लो, कौन सी रील्स आज वर्स्ट रील्स ऑफ इंस्टाग्राम देख लो, अगर बर्दाश्त कर सकते तो मेरे लिए बर्दाश्त तो कर सकना पड़ता। तो चलो अपन बढ़ेंगे आगे। बेबी मैं ना भागना चाहता हूँ, मैं ना उड़ना चाहता हूँ, मैं ना दौड़ना चाहता हूँ। तो दिक्कत क्या है बेबी, भागो। पक्का बेबी? ठीक है। अरे अरे मार क्यों रहे हो? अंधा बंदा है क्या? अंधा ही तो है, ये ले इलाज करा रही हूँ। बेबी मैं कभी नहीं देख पाऊंगा क्या? तुम जरूर देखोगे बेबी, इसको तो मैं बताती हूँ। नोट फेंको, नोट फेंको, नोट फेंको, नोट फेंको। बेबी ये भिखारी को पैसे दे दो क्या, बेचारा अंधा भी है। अरे वही तो, जिसने तुम्हारे मुंह पे 2000 का नोट फेंके मारा था, ये लो अपनी आंखों का इलाज करवा लेना अंधा। व्हाट द हेल, क्या तो भी यार हो, उन्हें हंधा था। हाँ अब वो पट्टी कार वाले को बेहोश करी, और लेकिन इसके आंखा कैसा वापिस आए कोई ये तो बोलो, विद इन सेकेंड इन्हें देखना कैसा स्टार्ट कर दिया, और वो कार वाले की आंखा इन्हें कब निकाली और कैसा। अम्मा ये क्रैक करना बोले तो आईएएस का एग्जाम क्रैक करने से भी मुश्किल है यार, क्या बोलना, ऐसे आज ऐसे प्राणियों को क्या बोलते मिलना है, तुम लोग रेडी रहो झेलने के वास्ते, सुने ना। Bright light, flashing. Fresh out the tomb like I'm Lazarus. Hop on the beat, I'm spazzing. Got him in shot like anaphylactic. Ayy, they wanna party, I'm crashing. When I pull up, my little shawty like that's him. Ayy, link with the source, I'm tapped in. Whole new world, Aladdin. Rappers. नहीं जमा नहीं, बिल्कुल नहीं जमा। एक सेकंड रुको, अब भी जमाता हूँ। ये हुई ना बात, इसको बोलते देखो फुल एक्यूरेट होना। अब दिख रहा ना अदनान दा छिछोकर, गायबिच हो गया था भाई ने, लेकिन अब फिर से बारी आ गई इसकी लेने की, बिकॉज इसको फिर चुलमा थी और इन्हें लगड़ लिया, वो भी एल्विश को। बाबा वो कैरी नहीं होता, रोस्ट करके छोड़ देने, असली में तेल लगा कर ले लेगा वो, राव साहब बोलते। सुने इसको यहीं छोड़ो यार, मैं थके सुने जो इसको बर्दाश्त करने के वास्ते, सुने ना, फिर अपन नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, थकेश कैसा बर्दाश्त कर लिया था कि थकेश भाई। ओके मैं पापा की परी हूँ और मैं पापा का पारा। पारा मतलब? जब भी पापा मुझे देखते हैं उनका पारा गर्म हो जाता है। जैसी तेरी हरकतें हैं लाजमी है पारा चढ़ना, तेरा कंटेंट देख के मेरा चढ़ गया पारा, फिर वो तो पिताश्री है कैसा नहीं चढ़ता, कैसा कर लेते और लगता स्मूथली क्रिंच क्रिएट, बट कुछ भी बोल कॉन्फिडेंस होना ये करने के वास्ते, नहीं क्या कॉन्फिडेंस कचरा फैलाने का है ना, तो बहुत हार्ड है और किसकन भी नहीं रहता इतना कॉन्फिडेंस, मगर इनके जैसे कचरों को साफ करना अपना काम है, सो कॉल्ड रोस्टर्स, नहीं क्या। अब देखो आप कितना कचरा मिलता कि आगे देखते जाओ, आप तुम ना डिसाइड करो। क्लैप गाइस क्लैप, ये तो हैवी कॉमेडी हो गई, जैसी तूने शक्ल बनाई है ना मेरी भी सेम ऐसी बनती, सुबह सुबह प्रेशर नहीं बना दो, सॉरी प्रेशर नहीं आया जो, बाकी शर्म करो यारो, इंस्टाग्राम से डरो, ओह सॉरी डरने को भी बोल किसे रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम खुद ही ऐसी वीडियो ट्रेंडिंग में लाता है और हम जैसों की बैठा देता है, इंस्टाग्राम से अच्छा याद आया, इधर आईडी दे रहा हूँ मैं, आ गई चुकी ना, हाँ वो फॉलो कर लो, नहीं अगर नई आईडी मिस हो गई तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कैसा भी फॉलो करो यार, फॉलो नहीं करें तो मैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी अच्छे अच्छे वीडियो रील्स बना रहा हूँ मैं कॉमेडी वाले, ट्राई कर रहा हूँ कॉमेडी इंस्टा रील्स करने की, बाकी
ना तुझे छोड़ूंगी नहीं खाना। अरे तो मैंने किया क्या तुम? तू उसको क्यों पकड़ी है? उस बच्चे को छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ। ये बच्चा ये कर दूंगी मैं, याद ये कर दूंगी। एक तो पहले से नंगी और नंगी हो जाएगी। ये है हमारे सस्ते घटिया स्क्रिप्ट वाले सो कॉल्ड प्रैंकस्टर्स। ऐसी तीन चीजें हैं जो सिर्फ ये सो कॉल्ड प्रैंकस्टर्स के पास ही मिलती। पहली, ऐसी घटिया वाहियात, क्या बोलते हैं, सस्ती स्क्रिप्ट। दूसरी, ओवर एक्टिंग। तीसरी, ऐसा अश्लील कॉन्सेप्ट। एग्री ना? अरे अपने पास स्केल है, इतना कितने पानी में है सब मालूम अपने को। खैर अब रिलर्स की बजाने आए, रिलों की बाद में लेंगे अपन बैस दिन लगा के। देखो मैं कितना गुस्से में हूँ, इसलिए प्रेशर कुकर भी बज रहा। देखे मेरा गुस्सा देखिए, आज बहुत गुस्से में हूँ मैं। हाँ बड़ी पातल हसीना वहां के पसीना, तू पीछे छड़ आई सलीना करीना के, तेरे पीछे आंदे होया महीना, तू नागा दी बच्ची ये काबू नहीं आंदी, ते बनके सपेरा बजाऊंदा मैं बिना। एक सेकंड, ये ट्रेन है? व्हाट, सही में ट्रेन है? नहीं, मेरे को कोठा दिखा, ये लिटरली कोठा भी दिखा और पेट शॉप भी दिखी। वो पैड्स रहते देखो। अरे सॉरी यार पैरेट्स, मैं तुम लोगों को इन लोगों से कंपेयर करा, नागिना तो नहीं लेकिन अजीबा है इन लोगों। जरा लोगों का भी सोचो यार, वो लोग कितना एम्बेरस फील होता होगा तुम जैसों के साथ ट्रैवल करना। ट्रेनों में भी ना रील्स बनाना बैन कर देना, इन लोगों का इधर से भी खत्म कर देना। फ्लैशबैक किट्स ना करेंगे, गुस्से की वजह से पसीना आ जा रहा। हमें मचने का शौक था। कुछ भी चल जाता है इन लोगों के हिसाब से। इस हिसाब से ऐसा बोले तो इनको मरवाने का शौक है, हमको मारना आता है। इनके हिसाब से 15 सेकंड कुछ भी फालतू गिरी कर दो रील्स बन जाती है। इनका सो कॉल्ड कंटेंट नहीं, कॉन्टेंट नहीं, कम से कम लिपसिंग तो कर लो यारो, बेटर रहता। और डांस तो है ही नहीं रील्स में, फिर नाचना आता। आई नो किधर नाचना आता, मुजरा खाने पे, जिसको प्यार से तुम लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम रील्स, है ना? बराबर बोला ना? राय बरेली में तू बीच बाजारी, जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना। दीदी ओ सोफिया दीदी, ये इंस्टा रील्स है, आपका चेंजिंग रूम नहीं है। सुने ना, क्या से क्या हो गई, इन्हें दिखाते दिखाते कुछ भी बोलो और मगर बंदी क्यूट है। रोस्टिंग पे ध्यान दो, अब बढ़ेंगे आगे। हाँ तो ये इंस्टा रील्स है या बैंडेड वेबसाइट्स जो पूरी बैंड नहीं हुई? हाँ बोलो मेरे, इसके वीडियोस देखे तो ऐसे लगता। क्या इसका पर्सनल में लिंगे बोल रहे क्या तुम? हाँ बोला मैं, ये इंस्टा रील्स है, आपका पर्सनल चेंजिंग रूम नहीं है। दीदी ये होता बंद कमरे में और यह होता एंटरटेनमेंट, आप तो जज्बात ही बदल दिए। लिख के ले लो, थोड़े दिनों में इंस्टाग्राम पे भी इनकॉग्निटो मोड ऐड हो जाता। अरे यार इसके वीडियोस देख के इसको रोस्ट करना या इसके स्टडी मटेरियल में ऐड करना मेरे को समझ में नहीं आता। पहले रोस्ट करता हूँ फिर बंटी की घंटी बजाता हूँ। कहीं को बोले तो मेरे दोस्त बंटी के पास ही छह स्टडी मटेरियल की पेन ड्राइव। अब मगर क्या करूं, इसको कितना समझाना। और अरी देखो, अब चेंजिंग रूम में करने का इंस्टाग्राम रील्स पे कर रहे। सो सुंदरी, क्या बोलना है, झेलिए ना।
थैंक्स झेलने के लिए। हाँ यहाँ तक अगर आ गए ना, बहुत 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 शुक्रिया। इंस्टा की लिंक्स तो दिए दिया, फॉलो कर लो। सो दैट्स इट एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो। और सेकंड थिंग, वीडियो में जिस जिस को रोस्ट करा मैं, उन लोगों से कुछ भी पर्सनल हेट नहीं है मेरे को। अगर उन लोगों तक ये वीडियो चले गई तो प्लीज फनी वे में लियो, या रोस्ट वीडियो है फनी वे में लियो। क्या बोलो, मेरे को पर्सनल हेट ना थी ना कभी है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही लेना। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के संग, तड़कती भड़कती वीडियो के संग। नेक्स्ट वीडियो किस पे होना कमेंट करो, करते तो कर रहे हैं तो नहीं तो ना, मैं खाली बोल दे रहा हूँ दीवानों में ऐसा। तो तब तक के लिए पीस आउट ब्लडी आर्मी।